हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए क्लास ट्वेल्थ हिंदी के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है, किस प्रकार से रणनीति होने वाला है और आगे चलकर हम हिंदी का भी कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। सारी चीज़ें बच्चों, जैसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ग्रामर पोर्शन हो गया, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, इस सब हर चीज़ों पर मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा और हिंदी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। बाद में भी कोई बच्चा आएगा तो उसे देख सकता है। जैसे रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से रहेगा। कहने का मतलब, यदि आप टारगेट बनाए हैं कि हिंदी में 80 में 80 लाएं, तो कोशिश हमारा भी यही रहेगा कि आप लोगों का प्रॉपर रूप से नंबर 80 में 80 आ जाए। लेकिन इसमें आपका भी मेहनत छिपा रहेगा, हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है कि किस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है 2024-25 में। अब देख सकते हैं ये अभी न्यू पीडीएफ आ चुका है बच्चों, आप लोग mpbsc.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सिलेबस है, अंक योजना है, वो अलग अलग पीडीएफ है, प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में सब में अलग अलग पीडीएफ है। अब मैं टेलीग्राम में शेयर भी कर दिया हूँ, तीनों का अलग अलग पीडीएफ आ चुका है, एमपी बोर्ड ने जारी कर दी है। तो अब जो बच्चे बिल्कुल अभी इधर उधर भटक रहे हैं यार, तो अब मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ से आपका मेन टास्क रहने वाला है। हिंदी में भी आप यदि कमजोरी कर देते हैं तो फिर परसेंटेज उतना ही इफेक्ट पड़ता है बच्चों। चाहे कोई भी सब्जेक्ट में यदि आपका कम नंबर आए, परसेंटेज में जितना फिजिक्स मायने रखता है उतना ही आपका हिंदी भी मायने रखता है। यदि मैथमेटिक्स आपका जितना महत्वपूर्ण, जितने अंक वैल्यू देता है परसेंटेज में, उतना भी हिंदी का भी महत्व होता है। अक्सर बच्चे हिंदी में क्या करते हैं, पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते, सोचते हैं हम एक महीने में कंप्लीट कर लेंगे, वो फिर बाद में नहीं हो पाता। ठीक है, आवंटित अंक के बारे में बात करेंगे और कहां कैसे आपको मेहनत करना है। फिलहाल तो आपका जो पहला है बच्चों, यहां पर काव्यखंड, यहां से आप देख सकते हैं काव्यखंड में क्या क्या चीज है, कौन कौन से चैप्टर है बच्चों। तो आत्म परिचय हो गया, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय एक गीत हो गया, आलोक धनवा जी का पतंग हो गया, कुंवर नारायण जी का कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, और बच्चों शमशेर बहादुर का हो गया आपका उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग हो गया, तुलसीदास का बच्चों कविता वाली, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। लगभग लगभग जितने पुराने थे वही चीजें हैं। फिराक गोरखमुखी का रुबैया हो गया, उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत, बगलों का पंख, ये है आपका। मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, रघुवीर सहाय का भी है ना, फिर 6, 7, 8, मतलब ये जो पुराने सिलेबस है बच्चों उसी में से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ से कितने नंबर, 17 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तो सारा चीज़ पुराना ही है, जैसे आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आपका मेन सिलेबस है किसका, काव्यखंड का। इसके बाद बात करते हैं काव्यबोध का। अब जैसे पहले रहता था ब्लूप्रिंट में, तो ये आ जाता था कि इस चैप्टर से इतने नंबर आने हैं, ऐसा नहीं है इस बार, है ना, पूरा काव्यखंड से 17 नंबर का। ये भी नहीं बताया जाता कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये वो ब्लूप्रिंट नहीं है, केवल अंक योजना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ही आ गया, तो ब्लूप्रिंट पुराने जैसा ब्लूप्रिंट आता ही नहीं है। एमपी बोर्ड भी अब है ना सीबीएसई पैटर्न के जैसा काम करने लग गया कि भाई नहीं, हम तुमको ब्लूप्रिंट नहीं देंगे, हम ये बता देंगे कि इस चैप्टर से इतने अंक आएंगे, कितने नंबर वाले आएंगे आप जानो। तो इस तरीके से भाई आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। काव्यबोध में आप देखिए, है ना, प्रबंध मुक्तक काव्य है, इसका प्रकार है, रस में आपको पूरा पढ़ना है, अलंकार में आपको 5 अलंकार, संदेह, सांगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्यतिरेक अलंकार, छंद में बच्चों आपको सोरठा, कवित, सवैया, रुबैया, ये 4 छंद पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप छोटा मोटा छंद पढ़ लें, कभी कभार त्रैमासिक अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आ ही जाता है शब्द गुण से, तो इससे टोटल 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9 नंबर में आपका यहाँ पर रस से एक क्वेश्चन आना ही आना है, सिंपल है ना, ये 4 टॉपिक से, जैसे इन 2 में से एक क्वेश्चन आना, इन 2 में से, तो 4 नंबर फिक्स रहता है। इनको एक एक वीडियो में आपको 10-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा भाई। काव्य बोध आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो 10 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गद्य खंड में आप देखिए आपका सिलेबस क्या है भाई, मिलान कर लीजिए आप लोग, जरूर इनको पूरा लिख लीजिए, नहीं तो पता चला जो हट गया पुराना बुक गाइड कोई दे दिया उसे पढ़ने लग जाओ। यहां पर महादेवी वर्मा का भक्ति ने बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, फणीश्वरनाथ रेणु, पहलवान का ढोलक, हजर प्रसाद वे, सुरेश का फूल, बाबा साहेब अंबेडकर, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये इतना सिलेबस है। फिर लेखक परिचय तो आना ही है इसमें से, जैसे आप कवि परिचय लिखते हो तो यहाँ से आपका गद्य खंड से, पद्य खंड से आपका कवि परिचय आता है, गद्य खंड से आपका लेखक परिचय आता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, इसमें भी वही 17 नंबर का। तो यहाँ से आपका जो काव्य खंड था
है ना। यहाँ पे आपका कवि परिचय आता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वहां पे लेखक परिचय आता है, एक एक कवि परिचय एक एक लेखक परिचय। तो मैं जैसे चार कवि का नाम बताऊंगा और चार लेखक का नाम बताऊंगा, इतना पढ़ लोगे सफिशियंट रहेगा, आपको बोर्ड एग्जाम तक वही काम आने वाला है। भाषा बोध से 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्र तकनीकी शब्द निपात शब्द की परिभाषा वगैरह, शब्द शक्ति का परिचय प्रकार है, शब्द युग्म है, वाक परिचय में प्रकार है, वाक शुद्धिकरण वाक परिवर्तन है, मुहावरे लोकोक्ति है, राजभाषा राष्ट्रभाषा है, भाव पल्लवन है, संक्षेपण है, विज्ञापन लेखन बाद लेखन अनुच्छेद लेखन, इन पर सब एक एक सेपरेट वीडियो दूंगा, आप थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे बच्चों तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वितान से आप देखिए सिल्वर बेटिंग, मनोहर से हम जोशी, जूझ है आनंद यादव, अतीत के दबे पांव है ओम थानवी है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम से यहां पर आप देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या है भाई साहब, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है, पत्रकारिता लेखन है, विभिन्न रूप से लेखन प्रक्रिया है, विशेष लेखन है, इकाई दो में आप कैसी बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखी कहानी, कैसे लिखे कहानी का नाट रूपांतरण, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम सृजनात्मक, लेखन बहुत ही कम आता, मुख्य रूप से अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन बनी जाता है। 7 नंबर में आप देखो भाई यहाँ से आप देख लो अपठित बोध से गद्यांश का, ये अपठित बोध मतलब कहीं से भी आ सकता है, 3 नंबर क्वेश्चन, पत्र लेखन का 4 नंबर और निबंध लेखन का 4 नंबर। तो ये तो बिल्कुल फोकट के अंक हैं, इसमें थोड़ा बहुत यदि मेहनत कर देता बच्चों की निबंध कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, तो आसानी से आपसे बन जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा, फिलहाल यहाँ पे मेन तो ये चीज़ें हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में 6 सही विकल्प रहेगा, फिर 6 रिक्त स्थान, 6 70 और सही जोड़ा में 7 प्रश्न, ये आपके टाइप हैं, और फिर 1 वाक्य में उत्तर, ठीक है, 1 वाक्य में उत्तर में भाई 7 प्रश्न है ना, देखो जरा 7 प्रश्न रहेंगे, 6 अंक मतलब 7 प्रश्न मतलब 7 अंक, सिंपल है। फिर इसके बाद 6 से 15 तक 10 प्रश्न होंगे, 2 अंक वाला, 4 अंक वाला और 3 अंक वाला और 4 अंक वाला, मतलब 5 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। तो ये रहा पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस और कितना कहाँ से आने वाला है। बच्चों आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में इसका लिंक मैंने भेज दिया है, पूरा PDF ही डाउनलोड करके भेज दिया, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, सॉरी 2025 के लिए, 24-25 लिखा है मतलब 25 में आपको एग्जाम देना है। और साथ में बच्चों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी हिंदी का PDF बनाना शुरू कर दिया हूँ, जल्दी आपका ये PDF तैयार हो जाएगा, जल्दी आपको PDF मिलेगा, छोटा सा अमाउंट लगेगा, कॉन्टैक्ट नंबर अभी से लिख लेना, जिन बच्चों को लेना होगा बाद में कॉन्टैक्ट कर लेना, 9685291, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, ठीक है, 9895189 मेरा पर्सनल नंबर है, और आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बच्चे भी नहीं लिए हैं तो लेकर तैयारी शुरू करें, 9685291 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।